हाँ, मैंने आपा की सारी बातें सुनी और तुम्हारा जवाब भी सुना है, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसमें एहसानमंद होने की क्या बात है फयाज, ना ही शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात है। मैंने तो बस वही जवाब दिया जो एक माँ को देना चाहिए। मगर ये बात भी तो हकीकत है। कौन सी हकीकत? आसिम और अयाज जवान हो चुके हैं, हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। आसिम की तरफ से आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो मेरी तरफ से बदगुमान हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो रिश्तेदार अयाज की तरफ छोटी हमदर्दियां जताते हैं ना, मैं बस इसी बात से परेशान हूँ कहीं वो गुस्ताख ना हो जाए। मेरा मामला कुछ उलट है, मुझे डर है कि आसिम तुमसे कभी गुस्ताख ना हो जाए। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता फयाज। और वैसे भी देखे ना, हमने चारों बच्चों के दरमियान कभी कोई फर्क रखा ही नहीं, तो फिर वो भला ऐसा क्यों सोचेंगे? तुम आसिम का रिसेप्शन अरेंज करना चाह रही थी। जब आपने इनकार कर दिया उस बात से, तो फिर अब क्यों दोहरा रहे? क्या अरेंज कर लो। थैंक यू सो मच। दरअसल मुझे सिर्फ और सिर्फ रायमा की फिक्र थी कि वो क्या सोचेगी फयाज। अच्छा ये बताएं मीठा कैसा है इसमें? अब ठीक है। थैंक यू। वीना। जी मामा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये क्या किया तुमने? टमाटर डाल दिए कोफ्तों में? दही निकाल के भी रख के देके गई थी, बेड़ा गरक कर दिया सालन का। दही का तो रायता बनवा के फ्रिज में रखवा दिया। तुम्हें बताया भी है, कई बार बताया है कि हर सालन में टमाटर नहीं डलते। तुम रहने दो, बिरयानी में खुद बना लूंगी। अम्मी लाई मैं खाना बना लूं। अच्छा अभी तो तुम एक दिन की दुल्हन हो। तो क्या हुआ अम्मी, घर के काम दिन थोड़ी देखते हैं। बेटा कुछ दिन आराम कर लो, फिर करती रहना। हाँ अभी तो रायमा ने खीर में हाथ भी नहीं डाला ना, तो ये खाना कैसे बना सकती है? ये खीर है ना, मैं इसमें हाथ लगा लेती हूँ। रायमा प्लीज। अम्मी घर के कामों में आराम कैसा देखना, और आइंदा से आप कोई काम नहीं करेंगी। बेटियों के होते हुए माएँ काम नहीं करती। आप जाइए, मैं और बीना भाभी सब कुछ संभाल लेंगे। मेरी बच्ची खुश रहो, जितना तुमने मेरा कलेजा ठंडा किया है ना, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। अच्छा ठीक है, चलो तुम बनाओ, जरा मैं अयाज को देखूं कि फ्लाइट का टाइम हो गया। वाह भाई रायमा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जैसी नकचड़ी औरत को 2 मिनट में अपने काबू में किया है। भाभी आप कैसी बातें करती हैं, वो माँ है हमारी। इतनी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है सिर्फ 4 दिन की बात, अभी आप नई नई आई है ना, इसलिए ये इतना चाव दिखा रही है। इसके बाद आपकी इज्जत उनकी जूतियों के नीचे होगी। तो शौक से रहूंगी उनकी जूतियों तले, क्योंकि उन्हीं के नीचे मेरी जन्नत भी है। फिर देख लीजिएगा कैसे दुश्मनी निकालती हैं वो आपसे। वैसे एक बात बताऊं, आसिम भाई ना मामा के सौतेले बेटे हैं। क्या? हाँ, जिस तरह आप सौतेली बहू हुई। अब जरा बच के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सौतेलेपन की जलन में आप भी झुलस जाए। ये सुनके तो अम्मी की कदर मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है भाभी। उन्होंने सौतेली होते हुए भी आसिम की इतनी अच्छी तरबियत की। वैसे भी जन्म देने वाले से ज्यादा इज्जत और एहतराम का हकदार पालने वाला होता है। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी लोग तो पैदा करके ईदी सेंटर के झूले में भी छोड़ जाते हैं ना अपनी औलाद को। और प्लीज आप आइंदा मेरे सामने अम्मी की कोई बुराई नहीं करेंगी और ना ही उनके माजी को दोहराएंगी। तो बाबा की चमची। मम्मी मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिसने आपको आंसू दिए उसे। बेटा रायमा का बहुत ख्याल रखना। आ रहा हूं बस 10 मिनट। अच्छा जल्दी आ जाए। अबू मैंने अपने फोन के अलावा घर के दोनों नंबर ऑफ कर दिए और आयमा के पास पूरे घर में किसी और का नंबर नहीं है। अच्छा क्या? सब खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हैं? मैं नहीं रो रही, सब ठीक है। हमें प्लीज बताइए ना। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप जानती हैं ना आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हाँ तो ठीक है, मत देखो फिर मेरी आंखें, रोने दो मुझे। जाओ यार। इसका मतलब है आप वाकई रो रही हैं। हमें प्लीज बता दीजिए क्या हुआ, क्या है? क्या करोगे तुम? वो सब कुछ खत्म कर दूंगा जिसकी वजह से आपकी आंख में आंसू आए हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि तकदीर के फैसले जो कभी हंसाते हैं और कभी रुलाते हैं। मैं इस तकदीर को खत्म कर दूंगा जो आपकी आंखों में आंसू लेकर आए। तो फिर समझ लो कि आंसू भी शुक्राने के, क्योंकि इस माँ के ऐसे बेटे हैं जिसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तड़प उठते हैं। मम्मी मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिसने आपको आंसू दिए उसे। बेटा रायमा का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत पुरखुलूस लड़की है। अच्छा चलो खाना तो एक साथ खा लें, इसकी फ्लाइट से पहले पहले जल्दी खाना लग जाएगा। ठीक है चल। जी अम्मी। चल भाई पानी भी आ गया। आपकी एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर रखती थी। हाँ सालन। हाँ बेटा। हाँ बोलो। अब्बू कहाँ रह गए हैं, अभी तक नहीं आए? बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तुम्हारी फेवरेट बेकरी से तुम्हारे लिए चीजें खरीदी हैं। आ रहा हूँ बस 10 मिनट। अच्छा जल्दी आ जाए। अब्बू 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 अब्बू। अब वो सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। हाँ, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अबू 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 अबू, आप नहीं रुके, 2 मिनट नहीं रुके। अरे तुम क्या बैठी हो? हमेशा बेटे को रुखसत करते हुए तुम मुस्कुराती हो, और आज क्यों रो रही? पता नहीं क्यों फयाज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फयाज मुझे छोड़ के लंदन नहीं जा रहा, बल्कि औलाद को सफर पे भेजते हुए ऐसी बातें नहीं सोचती। फयाज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फयाज मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है, उसके और मेरे दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। बेटे जब गोरियों से शादियां कर लेते हैं तो मां परेशान हो ही जाती है, लेकिन हमारा अयाज ऐसा नहीं, वो हमसे बहुत प्यार करता है। नहीं, गोरियों का कोई कसूर नहीं होता, तो हमारे अपने किए की कोई सजा होती है जो हमें मिल रही होती है। लेकिन भैया आप तो गवाह है ना कि मैंने अपनी ममता में कोई कोताही नहीं की। कब पहुंच सकीगा किन मामलों में पड़ गई? सजा तुम्हें उस वक्त मिलती है अगर तुम आसिम की तरबियत से कोताही बरतती या मैं अयाज को इग्नोर करता, इसलिए हमें सजा क्यों मिलेगी? पहुंचे बच्चे आ रहे, आओ भी आओ बच्चे। आप क्यों रो रही? भाई तुम जा जो रहे हो जल्दी। क्या करूं बाबा, लीजा की तबीयत अगर सही होती तो मैं कुछ जाऊं रुकने यार, बट आप लोग तो आ रहे हैं ना लंदन अपने पोता पोती से मिलने के लिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे। हौसला करें। हौसला कैसे रखूं? मेरे अब्बू हैं। आप किसी रिश्तेदार को इतला देना चाहेंगी? नहीं शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। आप अकेली हैं यहाँ पे? अकेली नहीं हूँ, मेरे अब्बू मेरे साथ हैं। चलें, मैं दोबारा आऊंगा। आसिम, आपने मेरा फ़ोन क्यों ऑफ कर दिया? तुम्हें पता है मैंने क्यों ऑफ किया, वरना वो शैतान की खाला आज फिर तुम्हें तंग करती। आई एम सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं। एक बात बताऊं? कहिए। मैंने अपने फोन के अलावा घर के दोनों नंबर ऑफ कर दिए और आयमा के पास पूरे घर में किसी और का नंबर नहीं है। अच्छा क्या? एक मिनट। कल एक रस्म रह गई थी। ये तो बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे हुस्न के हुजूर एक छोटा सा नजराना। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती है। जब तुम इसे अपनी खूबसूरत सी कलाई में पहनोगी तो ये अनमोल हो जाएगी। एक्सीडेंट पेशेंट के साथ आप हैं? मेरी अबू है वो असलम अहमद। कैसे हैं वो? हेड इंजरी है, उनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? आप अकेली हैं? मेरा मतलब है आपके साथ कोई बड़ा? जी, मैं और मेरे अबू अकेले ही हैं। बल्कि नहीं, मेरी एक बड़ी बहन भी है। आप उन्हें बुला लें। उनको तो नहीं बुला सकती, कल ही उनकी शादी हुई है। उनको तो बुलाना पड़ेगा क्योंकि एफिडेविट पे साइन करना है। आप उनको फोन मिलाएं। मैं अपना फोन तो शायद घर ही भूल गई हूँ जल्दी में। चले कोई बात नहीं, आप मेरा सेल फोन यूज कर लें। नंबर बताएं। हाँ, आप ही का नंबर याद है, मिलाएं। ये तो बंद है। बंद है? मुझे और किसी का नंबर तो याद ही नहीं है। किसी आस पड़ोस का? हाँ, एक आंटी है, फरीदा आंटी, उनका नंबर याद है मुझे। जी बताएं। कोई उठा नहीं रहा। खैर, आप ऐसा करें, इस एफिडेविट पे साइन कर ले। आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। पैसे हैं आपके पास? 50,000। 50? मैं कहीं से भी कर लूँगी। चले, पैसे आप सुबह जमा करवा दीजिएगा, अभी आप साइन कर दीजिए। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस घर में इस तरह के तफरके फैला रही हो? तफरका तो तुम्हारी मामा ने फैलाया इस घर में, सब कुछ अयाज भाई के नाम करके। मुझे किसी का नंबर याद नहीं है और वैसे भी कल तक अब्बू ठीक हो जाएंगे तो उनको घर ही ले जाऊंगी मैं। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को फोन करने की। क्या खाला? खाला ये आप क्या कह रही? line, and Wahab Riyaz judged it to perfection. Oh, bowled him quick and hitting the stumps. Wahab Riyaz is on fire. Oh yes, it came back. आज तो कम करें, इतनी ऊंची आवाज में टीवी देखते हैं। हाँ। वैसे अयाज भाई तो चले गए, अब जाने कब आएंगे? हाँ, उनके जाने के बाद से घर काफी सुना सुना सा हो गया। एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमें चाहिए कि हम भी अयाज भाई के पास सेटल हो जाए। यूके इतना आसान नहीं है वहाँ सेटल होना। अयाज भाई खुद अभी तक सेटल नहीं हो सके। नेशनलिटी के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती है, और मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है मजीद अजाब बर्दाश्त करने की। अजाब तुम्हारा मतलब है? मैं अजाब नहीं, नहीं, मैं तो दूसरी शादी की बात कर रहा था। अच्छा खैर छोड़ो इस मजाक को। वैसे मामा ने ना बहुत होशियारी के साथ तुम्हारा और अली का हक मारा है। कैसा? अरे भाई देखो, सारा बिजनेस सारी प्रॉपर्टी किसकी? तुम्हारे पापा की है ना, लेकिन मामा ने सब कुछ अयाज भाई को दे दिया। कानूनी और शरई तौर पर इन चीजों पे अयाज भाई का कोई हक नहीं है। देखो ना, वो पापा के बेटे नहीं है। तुम्हारा दिमाग सही है, तुम क्यों वो बातें दोहरा रही हो जो कभी ख्याल बनकर इस घर के किसी भी फर्द के दिलो दिमाग में भी नहीं आई। तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी कह देती हूँ, लेकिन हकीकत तो हकीकत है भाई। चुप जाओ, ये वो हकीकत है जो खुलूस और मोहब्बत के समंदर में कब की गर्क हो चुकी है, और अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, समझी तुम? हकीकत तो ये भी है कि पापा ने सिर्फ नाम की तकसीम की, अभी भी सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक तनख्वाहदार मुलाजिम की है जो तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी के नाम पे मिलती है। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस घर में इस तरह के तफरके फैला रही हो? तफरका तो तुम्हारी मामा ने फैलाया है इस घर में, सब कुछ अयाज भाई के नाम करके। कहने को तो वो बाहर रहते हैं, लेकिन जाते हुए भी मामा के कहने पे पापा से पूरा बंडल लेके गए हैं बरतानवी पाउंड्स का, जो यहाँ के लाखों रुपए बनते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ, जो कोठी और जो जायदाद उन्होंने अयाज भाई के नाम की है ना, थोड़ी सी भी तुम्हें मिल जाती ना, उन पैसों से तुम अपना कोई बिजनेस कर लेते। अरे ऐश करते होंगे वो वहाँ पे, और असल हकीकत यह है कि ऐश सिर्फ आसिम भाई और अयाज भाई कर रहे हैं। यही असल हकीकत जिसे तुम मुँह छुपाओ। जी आपको ब्रेन ऑपरेशन है इसलिए देर हो रही है, लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है। बस आप दुआ करें। बहन कैसी हैं आप? ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था, सोचा आपसे मिलता हूँ। अब कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स भी कुछ सही तरह बता ही नहीं रहे हैं। आप अब तक अकेली हैं? मेरा मतलब कोई रिश्तेदार अजीज नहीं आया? मैंने किसी को इत्तला ही नहीं की। मुझे नंबर दे देती, मैं इत्तला कर देता। मुझे किसी का नंबर याद नहीं है, और वैसे भी कल तक अब्बू ठीक हो जाएंगे तो उनको घर ही ले जाऊंगी मैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को फ़ोन करने की। अल्लाह करेगा। आप ये आप रख लें, ये मेरा कार्ड है, अगर किसी किस्म की भी परेशानी हो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। एक खुशखबरी है आपके लिए, जिस गाड़ी ने आपके वालिद को हिट किया था वो गाड़ी मिल गई है, और इंशाल्लाह कल तक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो जाएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब। जी बेटा, मैं पहचाना नहीं आपको। आप मुझे कोई उम्मीद तो दिला दें। डॉक्टर कमाल। जी अच्छा, एक मिनट। आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? अब्बू को क्या हुआ है? आप आए अपने अब्बू से मिले। आए आप। अब्बू देखिएगा, आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। अब्बू डॉक्टर साहब। हाँ बेटा, कोशिश कर रहे हैं। सब्र करो बेटा, हमने बहुत कोशिश की। अल्लाह की यही मर्जी है। मैं और असलम भाई हमेशा फजर की नमाज एक साथ पढ़ते हैं। आज जब मैं बेल बजाने लगा तो देखा गेट खुला हुआ है। मैं समझा असलम भाई आज पहले चले गए। मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई, मैं भी मस्जिद चला गया। वहाँ जाके असलम भाई को बता दूंगा, लेकिन असलम भाई मस्जिद में मौजूद नहीं थे। जब वापस आया मैंने कुंडी खोली और बैल बजाई। जब काफ़ी देर बैल बजने के बाद कोई जवाब ना आया तो फिर मैंने वाइफ को भेजा कि जाओ अंदर जाके देखो क्या बात। हो सकता है अंदर सो रहे हो, गेट रात को बंद करना भूल गए हो। नहीं भाई, असलम भाई इतने गैर जिम्मेदार नहीं है और ना ही बच्चियाँ। अंदर तो कोई भी नहीं है और दस्तरखान पे ना खाना लगाया, लगता है रात का किसी ने निवाला नहीं लिया। क्या कह रही हो फरीदा, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है डाकू। अरे नहीं, हर चीज जगह पे लगी है, खुदा खैर करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है, किसी ने खाना नहीं खाया है। इसका मतलब है कि रात के 8 बजे होंगे, क्योंकि असलम भाई रात 8 बजे खाना खाते थे। अरे हम क्यों चले गए भाई साहब के घर? पता नहीं उन लोगों पे क्या गुजरी रात को। रायमा का नंबर है मेरे पास, फोन लगाती हूँ उसको मैं। हाय, आई माँ, अम्मे बेटा, मुश्किल, आजा, नीचे उतर। चलो भाई, उधर से उठाना असलम भाई को। अच्छा। अरे कहाँ जा रही है? बैठो। अच्छा, 1 मिनट। अरे बाबा, फोन मत ऑन करो वरना उस चुड़ैल की खाला की कॉल आ जाएगी। पहले उसने पूरी रात जगा के रखा है। आप सो जाइए, अगर कॉल आई भी तो मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। ओके, ये देखा, आगे ने कॉल, मैंने मना किया था तुम्हें। अरे ये तो फरीदा खाला की कॉल है, मैं 1 मिनट देखती हूँ कोई काम ना हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, सब खैरियत? क्या खाला? खाला ये आप क्या कह रही? अबू। रायमा? अबू। Oh my God. वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अहमद रोने लगी। दिल तेरा मर चला गया। अकेली रह गई है तू। उसको लेके रोने मेरे पे रोने। तौबा तौबा, कैसा नफसा नफसी का दौर है। महल्ले में इतना बड़ा हादसा हो गया, कानो कान खबर ही न हुई। मैं भी तो नहीं थी हुसैन घर पे। मैं उठी तो मैं अपनी बिटिया को अकेला छोड़ दी। रो ले आई माँ, रो ले बिटिया, रो ले। अबू चले गए। सबर कर रायमा, तू तो बड़ी है, संभाल अपने आप को। अरे अपनी लाडली को देख, अपनी लाडली को देख, कैसी बुत हो गई है तो। आयमा अबू चले गए। आयमा, मैं तुम्हें अबू दे के गई थी, तुम अबू को संभाल नहीं सकी। आयमा अबू चले गए। आयमा अबू हमें छोड़ के चले गए। नहीं अबू